ऑल राइट, सो मैं वो पेन जानता हूं अंडर कॉन्फिडेंट होने का. मुझे पता है यार, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो कितना बुरा फील करता है. हम लोगों से बात करने तक में हिचकिचाते हैं. और ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था. मेरा कॉन्फिडेंस ना के बराबर था. और आज सुबह एक लड़के का मेरे पास मैसेज आता है. मैं आपको मैसेज पढ़ के बताता हूँ. ये मुझे कह रहा है, भैया मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, मैं कैसे इसे इंक्रीज करूँ. मैंने इससे थोड़ी बहुत बातें की, तब मुझे ना मेरा पास्ट याद आया. मुझे वो पांच बड़ी गलतियां याद आई जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा था, और यही मेरे कॉन्फिडेंस को किल कर रही थी रोज. और 90% टीनेजर्स या फिर जो अपने 20s में है ना, वो ये पांच गलतियों में से कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस किल हो रहा है. वीडियो शुरू करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप भी ऐसे ही अपने सवाल मुझे पूछ सको. अब सीधा चलते हम वीडियो की तरफ. मिस्टेक नंबर वन, गोरी त्वचा चाहिए, इसके पीछे ना अंधे होके भागना. जब हम छोटे थे ना, तब से हमने यही सुना है कि अगर आप फेयर हो ना, तभी आप स्मार्ट दिखोगे, तभी आप ब्यूटीफुल दिखोगे. अगर आप ब्लैक हो तो फिर खत्म है, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया. और ये चीज बचपन से हमारे आसपास चल रही होती है, गोरा 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 अजी मेरा. अरे भाई, 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 भाई। ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को किल कैसे करती है? सबसे पहली चीज, आप जैसे हो ना, आप अपने आप को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते. और दूसरी चीज, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ. तो ये ना मेरी पुरानी फोटो है. अब इस टाइम मैं इतना ब्लैक हो चुका था, क्यों? क्योंकि मुझे ये सनटैन था. धूप में खेल खेल के ये सनटैन हुआ था, ठीक है. अब मैंने क्या किया, अपनी स्किन केयर पे ध्यान देना शुरू किया. मैंने अपने सनटैन को रिमूव किया, लेकिन तब तक मेरे दिमाग में एक चीज आ चुकी थी कि भाई बस गोरा होना है. तो मैंने क्या किया, सनटैन तो निकल गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे और गोरा होना है, और गोरा होना है, ये चीज दिमाग में चल रही थी. और फिर मैंने बहुत सारी क्रीम यूज करना स्टार्ट किया. मैंने इतनी नेचुरल और होम रेमेडीज यूज की कि मेरे फेस को मैंने एक एक्सपेरिमेंट सेंटर बना दिया था. मुझे कोई आके बोलता ना कि भाई तू अपने फेस पे नींबू लगा तो गोरा हो जाएगा, मैं नींबू लगाता. कोई बोलता आलू लगा तो गोरा हो जाएगा, आलू लगाता. और इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद आपके भाई का जो फेस है ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा था. और भाई आ गया स्वाद. और ये गलती सिर्फ मेरी नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग इस चीज के पीछे अंधे होके भाग रहे, गोरा होना है, गोरा होना है. और ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को आगे जाके 110% किल करने वाली है. अपनी स्किन को क्लियर करने पे फोकस करो, गोरा करने पे नहीं. आपका बचपन में जो स्किन टोन था ना, उसे अचीव करने की कोशिश करो, उसको नहीं जो कभी था ही नहीं. दूसरी बड़ी मिस्टेक जो हम रोज कर रहे हैं, वो है पॉर्न और मास्टरबेशन. अब देखो, जब आप पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो, तो आपका जो डोपामिन है ना, वो एकदम स्पीड में और बहुत सारा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बस्ट होता है. मतलब कि बहुत सारा प्रोड्यूस हो जाता है. और ये एक्टिविटी हमें बहुत अच्छी लगती है, ऑब्वियसली अच्छा लगता है ना आपको. और यही एक्टिविटी अगर कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए कंटिन्यू हो जाए ना, तो आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि इसको मजा कहां आने वाला है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. और जब हम इस मजे को और ज्यादा लेना चाहते हैं ना, तो हम लोगों से डिटैच होने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि मजा तो यहां पे आ रहा है ना, लोगों के साथ आपको उस लेवल का डोपामिन बस नहीं मिल रहा है. आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है जब आप लोगों से बात करते हो, और वो उतनी ही स्पीड में डिक्रीज होता है अगर आप अलग अलग रहने लग जाते हो. ये तो गया हमारा कॉन्फिडेंस. अभी रुको जरा, सबर करो, अभी तो शुरू हुआ है. जब ये एक्सेसिव मास्टरबेशन, एक्सेसिव पॉर्न कंजप्शन बढ़ जाता है ना, तब आपकी बॉडी के अंदर आपके बाल, आपकी जो बॉडी है, ओवरऑल बॉडी, उन सब पे भी इफेक्ट पड़ता है. और सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके छोटा चेतन पे. ये आपकी ओवरऑल बॉडी को अनहेल्दी करेगा. अब ऑब्वियसली ना, एक लिमिट होती है अपने शरीर की भी. अगर आप रोज मास्टरबेट कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी बॉडी का पूरा जो फोकस है, पूरी जो एनर्जी है, वो स्पर्म बनाने में चली जाएगी, तो बाकी बॉडी पार्ट में कमी आएगी ना. अभी रुको जरा, सबर करो, अभी तो और बाकी है, अभी तो फटने वाली चीज आने वाली है. इसके बाद आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बहुत सारी सेक्सुअल डिजीज की प्रॉब्लम अराइज होने वाली है. सुनो, डरा नहीं रहा हूं, बड़ा भाई हूं ना, समझा रहा हूं, फिकर है मुझे आपकी. और छोटा चेतन की हेल्थ से याद आया, क्या आप अभी भी अपने छोटा चेतन को साबुन से वॉश करते हो? देखो, साबुन का जो पीएच लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा होता है. और आपके जो छोटा चेतन है ना, उसकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, उसको इतनी हार्श चीजें नहीं चाहिए. आपको चाहिए एक अच्छा सा इंटीमेट वॉश, जैसे अर्बन गबरू इंटीमेट वॉश. अर्बन गबरू इंटीमेट वॉश आपके इंटीमेट एरियाज को बहुत अच्छे से क्लियर करता है. साबुन और इसकी हाइजीन में ना रात दिन का फर्क है, क्योंकि साबुन सब टच करते हैं, सब यूज कर रहे हो, और वही साबुन आप भी यूज कर रहे हो. लेकिन इंटीमेट वॉश की जो हर
एक पंप है ना, ये अनटच्ड है, ये कंप्लीट आपको हाइजीन प्रोवाइड करेगी। साथ ही में इसका जो पीएच लेवल है ना, ये बैलेंस्ड है, मतलब साबुन की तरह ये हार्श नहीं है आपके सेंसिटिव एरिया के लिए। और जो बदबू आती है ना, ये उसे भी दूर रखेगा। देखो गर्मी आ रही है, बदबू ज्यादा आएगी आपके प्राइवेट पार्ट से। अर्बन गबरू इंटीमेट वॉश इस बदबू को भी दूर रखेगा। इसमें एलोवेरा है और टी ट्री ऑयल है, मतलब आपके जो इंटीमेट एरियाज है उसे ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी देगा। अब बताता हूँ इसे आपको यूज कैसे करना है। तो आपका जो इंटीमेट एरिया है उसे आप पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ पंप लेनी है और अपने इंटीमेट एरिया पे आपको इसे अप्लाई करना है। कुछ देर इसे रहने दे और फिर इसे वॉश कर लीजिए, कुछ देर मतलब 15 या 20 सेकंड। इसे परचेज करने की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो ना, वैसे ही अपने जो हाइजीन है ना उसे भी बढ़ा लो। तीसरी मिस्टेक जो हम रोज कर रहे हैं और जो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा रही है, वो है नेगेटिव थिंकिंग। कभी किसी बीज को आपने उगते देखा है? एक बीज होता है ना, उसको आप पानी दो, उसको फर्टिलाइजर दो, एक दिन वो मस्त पेड़ बनता है। सेम ऐसा ही, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे में कुछ कमी है यार, मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, ये है ना बीज है। और इसे बार बार सोचना, इसे बढ़ा चढ़ा के सोचना, ये फर्टिलाइजर और पानी का काम करता है। एक दिन आप अपनी ही इस थिंकिंग में कैद हो जाओगे और आप सेम इसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लग जाओगे। आप अच्छे दिखते हो, लेकिन ये जो बार बार आप जो सोचते हो ना कि मैं शायद अच्छा नहीं दिखता, मेरे अंदर कुछ कमी है, ये चीज आपको लो फील करवाएगी। जब आप लो फील करोगे, तब आपका जो बॉडी पॉस्चर है ना, सबसे पहले उसकी माँ बहन एक होगी। जब बॉडी पॉस्चर नीचे जाएगा, जब बॉडी पॉस्चर बिगड़ेगा ना, तो जो कॉर्टिसोल है बॉडी के अंदर, स्ट्रेस हार्मोन, वो रिलीज होंगे। जब वो रिलीज होंगे ना, तब आपकी हेयर और आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत बुरी हो जाएगी। तो जो सिर्फ आपका थॉट था ना कि मैं अच्छा नहीं दिखता, अब एक्चुअली इस कॉर्टिसोल की वजह से वो रियलिटी में टर्न हो रहा है। ये हमें पता चल गया नेगेटिव थिंकिंग का इफेक्ट। लेकिन हमारी थिंकिंग पॉजिटिव कैसे होगी? बुक्स से पॉजिटिव होगी ब्रो। ये सारी ऐसी ऐसी बुक्स है ना जो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगी। कुछ बुक के नाम मैं आपको बता देता हूँ। 12 रूल्स ऑफ लाइफ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, टूल्स ऑफ टाइटंस। मिस्टेक नंबर 4, आप उस जोन में नहीं हो कि आप लीडरशिप ले सको। आपके ऊपर जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप अपना जो स्टेप है ना वो पीछे कर लेते हो। आप कहीं पे भी लीडर नहीं बनना चाहते, चाहे स्कूल, चाहे कॉलेज, चाहे कहीं पे भी, इवन आपके घर पे भी आप लीडर नहीं बनना चाहते। और जिस दिन आप अपना स्टेप पीछे लेते हो ना लीडरशिप से, उस दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। लोग लीडरशिप से डरते क्यों है? क्योंकि एक थॉट आता है, यार मैं फेल हो गया तो। लेकिन अगर आप एक लीडर बन जाते हो ना, तो डिसीजंस होते हैं ना वो आपके हाथ में होते हैं। अगर इस डिसीजन का जो आउटकम है वो चाहे अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हो जाते हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां होगा। तो अगर आज कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो इसका एक मेन रीजन ये है कि आप लीडरशिप नहीं लेना चाहते, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। मिस्टेक नंबर 5, जेलसी। अब देखो मैं किसी को जज नहीं कर रहा कि आप इससे जलते हो, आप कितने खराब इंसान हो, ये वो, मैं कुछ नहीं कहने वाला। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप किसी के काम से जल रहे हो, आप किसी की सक्सेस से जल रहे हो, तब पता है क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इजी ऑप्शन है, जो हम में से बहुत सारे लोग अक्सर करते हैं। हम क्या करते हैं, वो दूसरा इंसान है जो आगे बढ़ चुका है ना, हम उसके बारे में बुराइयां करेंगे, हम उसे गिराने की कोशिश करेंगे। और असलियत में वो इंसान नहीं गिर रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस गिर रहा है। तो अगर आप इस टाइप के पर्सन हो ना, जो जेलस फील करने के बाद सामने वाले को बुरा दिखाना, नीचा दिखाना इस टाइप में बिलीव करता है, तो यकीन मानो आपका कॉन्फिडेंस गिरने ही वाला है। लेकिन अगर आप दूसरे टाइप के पर्सन हो, जो जेलसी को कंपटीशन में बदलेगा और कोशिश करेगा कि यार ये अगर कर सकता है तो मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूंगा। पहले केस में आप अपना जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो सामने वाले को गिराने में लगा रहे हो। दूसरे केस में आप अपनी टाइम और एनर्जी को अपने आप को इंप्रूव करने में लगा रहे हो। ये थी वो 5 चीजें जो हम रोज कर रहे हैं, और ये 5 चीजें ना रोज हमारे कॉन्फिडेंस को किल कर रही है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हो ना, इन 5 चीजों को करना आज से बंद कर दो। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप अपने कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।